मेन गेट आ गया, यहाँ से हम लोग इंट्री करेंगे और अब हमारा मेन यात्रा शुरू हुआ। यहाँ से हम लोग पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेंगे। हम पहुँच गए हैं जुमा पट्टी, जो कि माथेरान जाते टाइम यहाँ पे जो ट्रेन होती है वो भी रुकती है, तो हम आज यहीं कैप्चर करेंगे, पूरा यहीं पे ही घूमेंगे। ये भी मज़ेदार जगह है। बाकी माथेरान तो ये पूरा पर्वत है, पूरा बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो अगर यहाँ मामा रहते हैं तो कई बार आते रहते हैं, इसलिए रजत रजत को सब पता है, बार बार ही आते हैं, तो ये मुझे बता रहे हैं। अगर अपने आसपास का कोई मतलब रिलेटिव या फ्रेंड या कोई, मेरे तो मामा ही यहाँ रहते हैं, तो मैं वहाँ से आया, खाना खाया, आराम किया और फिर यहाँ पे आ गया, तो फिर मज़ा आता है। चलिए हम चलते हैं, जुमा पट्टी स्टेशन पर आने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर जो छोटी वाली पटरी है वो स्टेशन पर जाने के लिए कैसे चेंज होती है वो देखो आप, सब छोटा छोटा देख के बहुत अच्छा लगता है। ये स्टेशन देखिए कितना प्यारा लगता है, प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। ये प्लेटफॉर्म रोड से ये आने का रास्ता है और ये देखो आप जुमा पट्टी, इसकी हाइट कितनी है, हाइट अब वो 242 मीटर। रजत कुछ बताने वाले, बताओ रजत क्या बता रहे थे ट्रेन के बारे में। इस समय बारिश का मौसम है इसीलिए ट्रेन नहीं चलती, अगर आपको जाना है माथेरान तो गर्मी में आइए, ट्रेन से आपको जाने को मिलेगा। हाँ, और रजत आपको लेके जाएंगे क्योंकि ये स्टेशन के बगल में ही रहते हैं। बहुत मज़ा आता है, बस यहाँ 4G नेट नहीं चलता। 2G क्या, मेरे में तो कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। कल मैं इसी पे चलने जा रहा था तो उससे पहले ही मुझे रजत ने कहा यहाँ सांप रहता है, और तब तक मुझे लोहे पे दिखा भी, वो देखो दिख रहा रजत। हाँ। तो यहाँ कभी भी आए तो एक एक पैर ध्यान से रखें। रजत शर्माते हैं थोड़ा सा, ये अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कौन सा सांप रहता है, रसल वाइपर और किंग कोबरा, क्योंकि इनके फ्रेंड के पापा हैं जो अगर कहीं भी सांप निकलता है नेरल में तो उनको कॉल करते हैं लोग और वो आते हैं सांपों से पकड़ते हैं और फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं, मतलब एनिमल लवर, स्नेक लवर। हाँ, स्नेक लवर है, तो उनको कोई सांप मारे तो पसंद नहीं है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि कहीं भी सांप, उन्होंने अपना सबको मैक्सिमम लोगों के पास नंबर है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो कहीं भी सांप निकलता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, वहाँ से पकड़ते हैं और फिर ला के छोड़ देते हैं ऊपर। तो उसकी वजह से रजत को नाम भी पता है यहाँ पे कौन से सांप पाए जाते हैं, कौन से छोड़े जाते हैं, कौन से पकड़े जाते हैं। मामा आ रहे हैं, मामा, श्रुति और फिर मासी। तो आगे का बता दिया है मामा ने हम लोग को कैसे जाना है, क्योंकि बाइक है, एक बाइक है तो उस पर 3 लोग आ जाएंगे, मतलब मैं और रजत। हम लोग ये पटरी को फॉलो करते करते जुमा पट्टी तक जाएंगे। जुमा पट्टी मतलब जुमा पट्टी तो यही है, लेकिन थोड़ा आगे बहुत सारे झरने हैं तो झरने पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रजत ने मुझे कहा कि इन्होंने क्या देखा वहाँ पे, टाइगर और लॉयन देखा है, क्योंकि हम लोग बहुत नीचे जाते हैं नहाने, तो वहाँ पे टाइगर और लॉयन दिखे थे हम लोग को, मतलब वीडियो में। अच्छा, वीडियो में इन्होंने देखा था, किसी ने वीडियो डाला था कि जुमा पट्टी पे हैं, तो फिर इन्होंने मुझे सावधान कर दिया है कि वहाँ मत जाना भैया, तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। रोड आपको हम एक अभी दिखाएंगे, एक रोड साइड झरना है, वाटरफॉल है, इतना सुंदर है ना, आप देख के वाव कहोगे। हाँ, तो अभी देखते हैं, क्योंकि मैं अभी इनको ही फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि इनको सब पता। ये गाय वाय सब कैसे हैं, अरे किसके हैं, अरे इन्हीं लोग मारते तो नहीं है, नहीं
मस्ती करते हैं। और यहाँ पे गाय बैल भी हैं जो पहाड़ों पे ज़बरदस्त बैलेंस करते हैं। अगर कहीं मुझे दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग एकदम ऐसे जहाँ स्लोप रहता है वहाँ भी आराम से खड़े होकर चढ़ते हैं। बोलो शायद आपको आवाज़ ना आया हो, रजत कह रहा है कि ये उसका है मिनी माउंटेन जो 10-12 फीट का है। अब रजत नीचे और मैं ऊपर। हम लोग अब थोड़ा आगे आ गए हैं, वो अपना स्टेशन, ये रोड, ये गाड़ियाँ, ये लोग और ये माथेरान का पर्वत। फ्रंट कैमरे से देखिए, मतलब ठीक है इंसान तो कर सकते हैं दो पैर पे, लेकिन ये लोग चार पैरों पे बहुत ज़बरदस्त बैलेंस करते हैं। जबकि यहाँ पे स्लोप देखिए कैसे, ये देखिए इसका सिग्नल छोटी वाली ट्रेन का, ये शायद कुछ लिखा है, शायद किलोमीटर भी हो सकता है ना। और वो देखिए वहाँ पे, मतलब इतनी ऊंचाई पे भी ऐसा थोड़ा एकदम प्लेन जगह है, वहाँ पे तो खेती भी करते होंगे शायद लोग, करते हैं खेती। और ये देखिए आवाज़ भी आ रहा है रजत यहाँ पे तो। रिंकू भैया हम गलत रास्ते पे, कैसे यहाँ से हम लोग जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे पता है? अभी वहीं से ऊपर हो जाएंगे जहाँ से शेर दिखा था, ये नीचे जाने का रास्ता और वहाँ पे झरने का पानी जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो। और ये झरना एकदम कहाँ से आता है ये देखो आप, एकदम ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से और एकदम वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, और फिर ये देखो यहाँ से, ये देखो आप रजत को माथेरान के ट्रैक का एक नट बोल्ट मिला, सरकारी लोहा, सरकारी सोना नहीं सरकारी लोहा। ये पटरी चल रही है, अब हम लोग को ऊपर चले जाना है, ऊपर वहाँ पे रोड है। रजत बार बार कह रहे हैं कि शेर लोग भी आते हैं घूमने जुम्मा पट्टी पे, अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हम लोग अब देखते हैं रास्ता कहाँ पे, वो देखो गाड़ी जा रही है, वो देखो वो रोड है, तो अभी हम उस पर चढ़ जाते हैं। चारों तरफ का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, जबरदस्त मज़ा आ जाता है ऐसे जगहों पे। यहाँ से वो झरने के पास जाने का रास्ता है, लेकिन हम लोग को आगे जाना है। ये बच्चे कहाँ से आ गए रजत यहाँ पे? वो देखो खेल रहे हैं, ये लगता है यहीं पे रहते हैं। रजत आगे आगे चल रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, और फिर मैं निकल रहा हूँ फटाफट ऊपर चलते हैं। ऊपर मामा आ गए, कहाँ है मामा, दिखे? हाँ दिख रहे हैं। वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मामा आ गए हैं ऊपर, वो देखिए। अब फटाफट चलते हैं वो स्टेशन के बाद, थोड़ा आगे आने पे ये देखिए डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रवेश द्वार है, जुआ पट्टी वार्ड 1 का। और यहाँ पे दुकानें हैं, और यहाँ मामा और रजत हैं, चलते हैं। बड़ा खतरनाक टर्न है, जो इसको टर्न पार कर लिया वो। अब हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर की साइड जो बड़ा वाला झरना मैंने आपको दिखाया था उसके पास। यहाँ पे सब खेती भी करते थे, धान का कुछ लोग रिटर्न भी, ये सब मॉर्निंग वाले हैं, मॉर्निंग शिफ्ट वाले। आ गया, ये वाला टर्न देखिए, ये सबसे डेंजर, अब तक का सबसे डेंजर टर्न हम लोग का ये है। डायरेक्ट राइट लेके ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट लेफ्ट लेना है, अब तक का हमारा सबसे डेंजर टर्न। अभी जो टर्न से हम लोग ऊपर आए हैं, अगर वो टर्न आपने प्रॉपर क्रॉस कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे डेंजर है भी वो, हमें देखने में भले ही शायद उतना ना लगे, लेकिन जो चला रहा हो अगर सही गियर और एक्सीलेटर नहीं दिए तो वहाँ से अगर कुछ ही गाड़ी तो फिर कुछ भी हो सकता है। और ये सामने लेफ्ट साइड में देखिए माथेरान का पटरी ऐसे घूमते घूमते ऊपर जा रहा है। ये वही बड़ा वाला झरना है जो नीचे आया है, ये सबसे बड़ा झरना जो है वो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है। अब आप तैयार हो जाइए बहुत ही बड़े और सुंदर झरने को देखने के लिए। I'm not afraid to die.
मामा, मासी, रजत, सूती। और ये सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो मुझे अब तक का सबसे बड़ा झरना दिखा है, जो मैं आपको दिखा रहा था, वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट ये रोड के नीचे से यहाँ से निकलता है और आगे का व्यू देखिए। ये रोड पे सब लोग, देखो आप शायद आप देख पा रहे होगे एकदम लास्ट में, एकदम दूर वहाँ सब धूप है और बाकी उसके यहाँ, इसके इधर पूरा बादल है। थोड़ा जूम करता हूँ, शायद बिल्डिंगें भी दिखे। ये देखिए, आप जाता हूँ, नहाता हूँ और सबसे ज़्यादा जो यहाँ मज़ा आता है वो करते हैं। चलो रजत, यहाँ पे जैसे भाई साहब लोग गए हैं लास्ट पॉइंट पे, वहां तक ना जाए। यहाँ से भी है, यहाँ पे भी कुछ लोग नहा रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा सेफ है। ठीक है, थोड़ा आप ऊपर आए यहाँ तक भी चलता है, लेकिन कुछ लोग आप देखो लास्ट मोमेंट तक गए हैं। तो ऐसा आप कभी ना करें, क्योंकि तो ऐसे में लोग गिरते हैं और फिर पछताने का भी मौका नहीं रहता। वहाँ पे जाने की जरूरत क्या, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी बेस्ट है, वहाँ से बेस्ट तो यहाँ पे है, पूरा पानी यहाँ पे गिर रहा है। तो आप लोग कभी भी आएँ, फ़ोटो के चक्कर में उतना ऊपर ना जाएं कि डायरेक्ट फिर ऊपर चले जाएं। तो ये बेस्ट है, यहाँ पे ज़बरदस्त है, इसे दोबारा इंजॉय करने लायक फिर हम लोग बचे। वहाँ हम लोग गए थे नहाने के लिए, अब आ गए हैं नीचे यहाँ। और ये मामा, मासी और श्रुति अभी जा रहे हैं आगे, उनको छोड़ के फिर मामा रिटर्न आएंगे, फिर हम निकलेंगे। नहा के हो गया, ज़बरदस्त ठंड लग रही है, अब नहीं नहाना है, बहुत नहाए, अब चलते हैं घर, रिटर्न चल रहे हैं। रजत ने भी नहाया, रजत को भी ठंडी लगी हुई है। हाँ, बहुत लगी है, चलो चलो। इसीलिए हमने जो रेनकोट लाया था, रेनकोट ऊपर से डाल दिया है ताकि हवा ना लगे। बाकी तुरंत नहाते तो थोड़ा ज़्यादा ठंडी लगता है, अभी थोड़ा कम लग रहा है धीरे धीरे। अब चलते हैं। मैं और रजत यहाँ बैठे हैं, मामा का वेट कर रहे हैं, मामा आए कि हम लोग भी जाते हैं। ठंडी लग रहा है, आवाज़ नहीं निकल रहा है। और यहाँ पे दुकान भी है जहाँ पे आपको चिप्स ये और सब मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग वड़ा पाव खाने के लिए रुके हुए हैं, बहुत तेज़ ठंडी सबको लग रही है, तो सोच रहे कुछ खा लें जिससे पेट में कुछ काम होगा, तो थोड़ा गर्मी लगी। माथेरान जाते टाइम यहाँ पे और एक आगे दो जगह पे है दुकान, और यहाँ का वड़ा पाव बहुत ज़बरदस्त है, मामा बता रहे हैं। मामा पहले आए थे, पहले कब गए थे मामा आप? हम डेली आते रहते हैं, मामा के कोई भी फ्रेंड आते हैं तो मामा उनको घुमाने यहाँ ज़रूर ले जाते हैं, गांव के भी और फिर ऑफिस के भी। तो यहाँ पे, लेकिन जो बाहर से आएगा उसको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ कहीं रखा भी नहीं है, लेकिन मामा कहते हैं यहाँ का वड़ा पाव बहुत टेस्टी है। तो अभी खाता हूँ वड़ा पाव। आ गया हमारा,
वड़ा पाव यहाँ का सच में ज़बरदस्त था। दो या ढाई साल बाद मैंने खाया, क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता नहीं, तो मामा ही है, उनके आगे मेरा कुछ भी नहीं चलता। मामा है जो मुझे वड़ा पाव खिला देते हैं और मामी है जो मुझे चाय खिला देते हैं। ज़बरदस्त। अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी तो बारिश होने लगा, बारिश बंद हो फिर हम निकलते हैं। वड़ा पाव खा, खुद तो थोड़ा तीखा लग गया था, बिस्किट भी लिया मैंने। मामा निकल गए थे बाइक पे, मैं भी निकल ही रहा था दुकान से, तब तक मामा बाइक लेकर रिटर्न आए और बोले कि पार्सल ले लो मामी के लिए भी। तो वही पार्सल ले रहा हूँ। मुझे लगा था कि यहाँ पे महंगा मिलता होगा, लेकिन वही 12 रुपये वड़ा पाव यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे अगर आप आए तो घोड़े पे भी बैठ के आप घूम सकते हो। क्राउन संबर यानी कि 100 रुपये का आपको लेके घुमाएंगे यहाँ पे राउंड में घोड़े पे। आज तो हम लोग को भी ठंडी लग रहा है, तो अभी चलते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे। रिटर्न जा रहे हैं मैं और रजत, मामा भी आ ही रहे होंगे, छोड़ने गए हैं। तब तक हम लोग थोड़ा चलते हैं, थोड़े चलने से ठंडी नहीं लगेगी। तो घर के तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं, मामा अभी तक आए नहीं। और ये देखो यहाँ पे आप जंगल, जंगल में जो पेड़ होते हैं वो एकदम सारे सीधे सीधे होते हैं, एकदम सब सीधे सीधे हैं, एकदम सीधा ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह निकलने का स्पेस ही नहीं रहता। गाड़िया ये देखो आप, कितनी सारी गायें ऊपर जा रही है माथेरान पे, मतलब ये यहीं पे रहती हैं और ढलानों पे भी आराम से चरती हैं। सबसे अच्छी बात आज ये है कि हम में से कोई ऐसे डेंजर जगह पे गया नहीं और ना ही गिरा, तो हम सब सेफ हैं। और जितने खुशी से आए थे उतने ही खुशी से जा भी रहे हैं। तो कभी आप भी आओ, पूरे सेफ्टी के साथ आओ और कहीं रिस्क मत लो, ताकि खुशियाँ आते समय भी और जाते समय भी बनी रहे और दोबारा आने का मौका मिले। लोग साइड में खड़े हो गए क्योंकि गाय आ गई थी दोनों साइड से। अब तक ऐसा हो रहा था कि एक साइड आते थे तो हम लोग दूसरे साइड हो जाते थे, लेकिन यहाँ दोनों आ गए। और यहाँ पे रजत टोक मारा, उसने कहा मैं गाय से नहीं डरता। मैंने कहा क्यों? कहता मैं सिर्फ सिंह से डरता हूँ। देखो हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे और अब रिटर्न जा रहे हैं, तो एक लास्ट व्यू ले लेता हूँ। ये स्टेशन का ये रास्ता, यहाँ से हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और अब चलते हैं नीचे की तरफ। डिस्कवरी वाला गिरगिट जो अपना कलर चेंज करते हैं, हमें यहाँ पे दिखा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये शायद अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो मामा रिटर्न आ गए, अब हम बाइक पे बैठते हैं और फटाक से घर पहुँचते हैं। जाते टाइम हमारी बाइक बंद है, हम सिर्फ जा रहे हैं स्लोप से। स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर से नीचे तक आराम से जा सकते हैं गाड़ी बंद करके। अब हम मेन गेट से बाहर जा रहे हैं और अभी तक हमारी गाड़ी बंद ही है, हमने स्टार्ट नहीं किया है। हम रिटर्न अब बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए हैं। अभी कपड़े चेंज करके पहले कुछ खाऊंगा, फिर रात को मामा से बातचीत होगी, मामा मामी से, और फिर डिनर, सो जाऊंगा और सुबह वड़ाला के लिए निकल जाऊंगा।